नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। खबर भदोही जिले से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जहां गुरुवार को सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 का उद्घाटन जिलाधिकारी गौरांग ठाठी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को दोपहर रैली को हरी दिखाकर सड़क सुरक्षा शपथ दिलाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा माह को लेकर लोगों को जीवन अमूल्य धरोहर है, इसके बारे में विधिवत शपथ दिलाया और लोगों से अपील किया कि इन चीज़ों का नियम से पालन करें। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी गौरांग ठाठी ने, सुनिए। सर, आज आपके द्वारा यातायात माह का शुभारंभ, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यातायात सुरक्षा माह माननीय मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है इस वर्ष के लिए, और उनके द्वारा विशेष VC सभी सीनियर अधिकारियों के साथ जो पूरे प्रदेश के ली गई थी, और उसका मुद्दा करीब 1.5 से 2 घंटा उसमें चर्चा हुई, जिसमें यही मुद्दा था कि हम किस प्रकार जो सड़क पर दुर्घटनाओं की वजह से डेथ होती है, जिसमें भारत में जो आंकड़े हैं वो अप्रत्याशित ज़्यादा हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, और हम उसको इन आंकड़ों को ना केवल कम करें बल्कि जो दुर्घटनाएं भी होती हैं जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं उसमें बेहतर कैसे चिकित्सीय सुविधा दी जा सके, तो ना केवल इसमें जो मौत की संख्या है उनको कम किया जाएगा बल्कि साथ साथ दुर्घटना में भी त्वरित उपचार, जो गोल्डन आर की पद्धति है उपचार की, उसको भी हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकें, इसके बारे में सब एक विस्तृत कार्य योजना बनी है पूरे महीने की, जिसमें प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाएगा, जिसमें प्रमुखता से साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पे साइनेजेस, रंबल स्ट्रिप इत्यादि लगाई जाएगी, लाइट जहाँ पे कम है वहाँ पे लाइट लगाए जाएंगी, और उसके साथ साथ जो हमारे मेन ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनकी जानकारी भी हम साइनेजेस के माध्यम से देंगे। थैंक यू।